ऑडियो जंगल दिया हुआ है। पहले तुम्हें बताना चाहूँगा, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का नगर महासचिव हूँ। मुख्यतः हम लोग आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मांगे तो हमारी बहुत सी लंबित मांगे, लेकिन हम लोग मुख्यतः इस समय दो मुद्दों पे गंभीरतावश लेते हुए आए हुए हैं, जिसकी मुख्य दो मांगे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का समय से वेतन भुगतान न करना, दूसरा नियमित कर्मचारी रिटायरमेंट होने पे उसका पूरा भुगतान नहीं हो पाता है। कर्मचारी 60 साल सेवा करता है, रिटायर होने के बाद वो यही सोचता है कि रिटायरमेंट पे हमको जो पैसा मिलेगा उसका कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए जमीन जायदाद मकान बनाने की व्यवस्था करें। जो आज आपकी ये समस्या है, इससे पहले संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है या पहले विज्ञापन दे चुके हैं या दिया? कई बार लिखित भी विज्ञापन दिया गया है, मौखिक भी कहा गया है और इनसे ऊपर के अधिकारियों से भी कहा गया है। मैं आपको आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहूँगा कि रिटायरमेंट कर्मचारी रिटायर होने के बाद जो पैसा नहीं मिलता है वो सारा पैसे का भुगतान कहाँ जाता है? अगर वो पैसा हमको मिलेगा तो हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने में उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या लगता है इसमें, मतलब जो कि शासन का दोष है या प्रशासन का? इसमें दोष हम शासन और प्रशासन दोनों का मानते हैं। अगर मांगे ना मानी गई, समस्या ना हल हुई, तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है तो समय दिया जाएगा, अगर ये ज्ञापन पे ध्यान न दिया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उत्साहित करेंगे। जी, मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद।